जय हिंद साथियों, मैं लक्ष्मी यादव मेरे YouTube चैनल रोजगार विद अजय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट जुडिशियल सर्विस का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसका प्रीलिम्स हो चुका और उसका मेंस भी हो चुका, तो मेंस की जो कट ऑफ है आज हम उसकी बात करेंगे। आप सभी को पता होगा क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेंस की कट ऑफ आई है तो इसमें 168 पोस्ट्स थी और मेंस के बाद सिर्फ इसका इंटरव्यू बचेगा। ये इसकी ऑफिशियल साइट है, आप देख सकते हैं। इसकी ऑफिशियल साइट से ही आप अपने सभी कट ऑफ मार्क्स वगैरह चेक करिएगा। अगर हम कट ऑफ वगैरह की बात करें तो मैं नीचे चलती हूँ, उसमें मैं आपको डिटेल से बता पाऊँगी। ये देखिए, जनरल की जो कट ऑफ मार्क्स रहेंगे वो अप्रोक्स 75-80 रहेगी। एससी की जो कट ऑफ रहेगी वो 68-73 रहेगी और एसटी की जो कट ऑफ है वो 65-70। मैं आपको बता दूं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अभी रिज़ल्ट आने में देरी है। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो आपको कंफर्म पता भी लग जाएगा, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जिस तरीके का पेपर पैटर्न था, जो उसकी जिस कठिनाई से पेपर आया था या जितनी उसकी सरलता थी, उसके अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स ने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली है वो ये है। अब आप देख लीजिए इसमें डिफरेंस कितने का है, ज़्यादा डिफरेंस मुझे दिख नहीं रहा है। तो ये आज की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात हो गई। आप सभी का धन्यवाद। जैसे ही रिज़ल्ट आता है आपको इसी चैनल के ऊपर सबसे पहले अपडेट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।